हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे फेवरेट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे एग्जाम्स में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका जो उत्तर है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भाग तीन। तो हमारा संविधान जो है, संविधान के भाग तीन में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान के भाग तीन में जो है ये कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये जो आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अच्छा और ये जानने का कोशिश करते हैं आखिर ऑप्शन जो है इस ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये जो भाग दो है हमारे संविधान में, भाग दो में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये जो नागरिकता है हमारे संविधान में ये अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। कहाँ तक आता है? हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद कहाँ से आता है? 5 से 11 तक आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये जो नागरिकता है हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो नागरिकता जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ये इससे और बनता है हमारे मूल अधिकार से, कि ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में ये जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अच्छा चलिए, अगला ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला ऑप्शन है भाग चार। तो भाग चार में क्या है? हमारे संविधान के भाग चार में जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। कहाँ से? 36 से 51 तक आता है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वही है, किसको? भाग तीन को। मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भाग तीन को। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? फिर से पढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये जो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 78 लिख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसके तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अच्छा, इसको हटा के रखा कहा गया? तो अनुच्छेद 300। कहाँ पे? अनुच्छेद 300 के ए में। अच्छा, इसको हटाया तो इसको क्या किया गया? तो इसको हटा के एक कानून का अधिकार दे दिया गया। क्या? इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको कहाँ रखा गया? संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में। चलिए, इससे तो ये सब क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ जाता, ऑप्शन है ए में 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या सब हुआ था, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसके बारे में तो बहुत सारा, मतलब हमारे संविधान में बहुत कुछ ऐड हुआ है इसके इस संशोधन के तहत,
लेकिन उतना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसी एक ही 42वां संविधान संशोधन के बारे में ही हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा होगा कि जिस जिस क्वेश्चन में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कर लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, एक प्रस्तावना से इसमें संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना से संशोधन क्या हुआ था 42वां संशोधन में, तो इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। कितने? तीन शब्द। तो हमारे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़ा गया था। वो कौन कौन था? वो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था। अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है 89वां संविधान संशोधन 1989। सॉरी, ये 89वां नहीं होगा, ये होगा 61वां। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ 61 होगा। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसमें क्या हुआ था? हमारे संविधान में जो वोट डालने का अधिकार है, क्या हमारे संविधान में जो वोट डालने का अधिकार है, इस 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ही 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। कितना कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ही वोट डालने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, चलिए अगला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1985। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1985 था, इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो है हमारे संविधान के 10वीं सूची में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। किसमें? संविधान के 10वीं सूची में संशोधन किया गया था। और उसमें कहा गया था दल बदल से संबंधित कानून के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? दल बदल से संबंधित कानून के बारे में बताया गया था। और वो कौन सा संविधान था संशोधन? वो था 52वां संविधान संशोधन 1985। अच्छा, इसमें क्या किया गया था? तो इसमें कहा गया था अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो उसे 6 महीने के अंदर, कितने? 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल से सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसकी सदस्यता जो है वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। क्या? उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। तो इस 52वां संविधान संशोधन में इतने सारे फैक्ट बन सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, दोनों को, या फिर राष्ट्रपति को। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों को। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये जो दोनों है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितना? 5 प्रकार का रिट जारी करता है जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। अच्छा, वो पांच जो रिट है वो कौन कौन सा रिट होता है? तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है उत्प्रेषण, चौथा होता है प्रतिषेध, और पांचवा और आखिरी होता है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये होता है। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में। कहाँ से? 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जान लेते हैं अगले ऑप्शन के बारे में कि अगला ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 20। तो 20 के बारे में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को कोई पदाधिकारी या पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अच्छा, वो क्या क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। क्या? एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिस वक्त अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी, ना कि बाद में अगर उसी कानून को मॉडिफिकेशन करके अलग सजा का प्रावधान कर दिया गया है तो उसके अनुसार। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानकर चलिए किसी व्यक्ति ने 2012 में मर्डर कर दिया। क्या?
2012 में मर्डर कर दिया, और उस समय जो है सजा का प्रावधान उस मर्डर के लिए क्या था, उम्र कैद था। लेकिन 2025 में उसी सजा को बढ़ा करके क्या कर दिया, फांसी की सजा कर दी गई। तो उस व्यक्ति को फांसी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, उस व्यक्ति को उम्र कैद की ही सजा मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपराध किया था तो उस समय उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित की गई थी वो क्या थी, वो थी उम्र कैद। तो इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा, तीसरा अधिकार उसको क्या मिल जाता है, उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या, उस व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो ये बताया गया है। अच्छा, ये तो अनुच्छेद 20 हो गया। अगला अनुच्छेद आ जाता है 24 यानी 24। तो 24 में क्या कहा गया है, तो 24 में कहा गया है कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चे जो जिसकी आयु 14 वर्ष से कम उम्र की है, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम उम्र की है, उसे ना ही किसी कारखानों में, ना ही किसी खानों में, ना ही किसी होटल में कार्य करने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा उसे कृत्य करवाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। तो चलिए, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, 21 से संबंधित और सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, अनुच्छेद 21 का को भी एक आया था, अनुच्छेद 21 का को, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया। क्या, शिक्षा के अधिकार में बताया गया है। इसमें कहा गया है, अच्छा ये संशोधन एक बार किया था, संशोधन हुआ था, और वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे तक को, कितने वर्ष के, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे तक को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितना, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये कब कहा गया था, ये कहा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अच्छा, और ये कब कहाँ कहा गया था, ये अनुच्छेद 21 के को में कहा गया था। कहाँ पे, अनुच्छेद 21 के को में कहा गया था। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगला ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन डी और 23। अच्छा, अनुच्छेद 23 के बारे में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है या उसके खिलाफ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो उस पर कठोर कानून कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है, तो वो जो अधिकार है इसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया है। क्या, एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और इसको जाकर के अनुच्छेद 300 के को में जाकर ऐड करके एक इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके ऑप्शन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन जाता है। पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार। तो सूचना का जो अधिकार है ये 2005 में आया था। क्या, 2005 में, यानी RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी अब मान के चलिए, इसका मतलब होता है कि अगर किसी गांव में या किसी संस्था में या किसी सरकारी संस्था में कोई भी कार्य चल रहा है और हमको उससे संबंधित डेटा कलेक्ट करना हो, तो हम RTI के थ्रू उसके बारे में हम जान सकते हैं आखिर इस संस्था में या इस ग्रुप में क्या चल रहा है। तो चलिए, तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो जो मूल अधिकार है वो है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे हर किसी को जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है। तो ये जो है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं किया जा सकता है। अच्छा चलिए, अगला इसका ऑप्शन आ जाता है समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। ये आ जाता है कि समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है समानता का अधिकार। अच्छा, अगला ऑप्शन आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो हमारे संविधान है ये संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, एक आ जाता है शिक्षा का अधिकार ऑप्शन है, तो शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है, अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है, जिसके बारे में पीछे अभी हम जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, इसके बारे में तो इतना सारे क्वेश्चंस हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो वो जो अनुच्छेद है वो है 15 और 16। ये भी आता है 15 का 6 तथा 16 का 6 में जोड़ा गया है। ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वही 10% का आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 15 और 16 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये जो पारित किया गया था ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। अच्छा, इसमें हुआ क्या था दोस्तों? तो इसमें हुआ क्या था कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 के बारे में बताता है। किसके बारे में? 23 के बारे में। 23 में हमने क्या पढ़ा, हम किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ही बंधुआ मजदूर पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है, क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है तो वह व्यक्ति उस ऋण को चुकाने के बदले उस व्यक्ति का जितना सारा कार्य होता था उसके कार्य को संभालता था और उसके कार्य को करता था। एक तरीका से आदमी बंध जाता था, इसलिए इसका नाम बंधुआ मजदूर कर दिया गया। तो इसी को ख़त्म कर दिया गया था। कब ये किया गया था? 1976 में। और उस कानून का नाम क्या था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। और कब खत्म किया था ये? 1976 के दौरान। अच्छा, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 यानी 23 से संबंधित है। तो चलिए, ये तो इतना क्वेश्चन हो गया, इसके ऑप्शन को आगे देखते हैं। तो इससे के ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है? तो एक ऑप्शन आ जाता है इसमें अनुच्छेद 1980 आ जाता है 1980 के बारे में। तो 1980 में क्या हुआ था, ये जो 1980 है इसमें दिया गया था वन एवं संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया था। क्या? वन एवं संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया था। किसमें? 1980 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो वो जो है कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या दायर किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, ये जो दायर की जाती है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को कौन जारी करता है, चाहे राज्य का हाई कोर्ट हो या केंद्र का या भारत का सुप्रीम कोर्ट हो। ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है और उन्हीं रिट में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका दायर की जा सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था, तो ये जो हुआ था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। क्या? केशवानंद भारती बनाम
केदारवाद 1973। इसमें क्या हुआ था कि संसद में कहा गया कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, ये तो इतना हो गया। और ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, ये हमारे प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है। क्या? हमारे प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है। क्या? क्योंकि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद अगर चाहे तो इसमें सकारात्मक बदलाव कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है। अच्छा, ये हो गया। इसके अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन है बेरुवारी यूनियनवाद 1960। ये भी किससे संबंधित है? ये भी प्रस्तावना से ही संबंधित है। क्या? इसमें क्या कहा गया था? बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। क्या? इसमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकता है। चलिए, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था जस्ट अभी पीछे पड़े हैं, कब? 2005 में। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? वो जो है अनुच्छेद 24 है। क्या है? अनुच्छेद 24 के बारे में बताता है। ये हम अभी तो जस्ट पीछे भी पढ़े हैं। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया कि भाई अभी जस्ट पढ़े हैं कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और इसी में कहा गया है किसके बारे में? बंधुआ मजदूर अधिनियम के बारे में, जो कि कब लाया गया था हमारे संविधान में? 1976 में। अच्छा, ये हो गया। अब अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 24। तो 24 में क्या कहा गया, ये भी जस्ट अभी पीछे पड़े हैं। तो 24 में कहा गया है कि किसी भी, हाँ, इसके बारे में तो क्वेश्चन ही है। अच्छा, अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो 25 में क्या कहा गया है? तो 25 में कहा गया है कि आप चाहे किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, हर कोई अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल फ्री है और उसे किसी भी प्रकार की यातनाएँ नहीं दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 25 में कहा गया कि चाहे कोई भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, वो अपने धर्म को मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो वो कौन था? वो था 32। कौन था? 32। अच्छा, इस अनुच्छेद जो 32 है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहता है? क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो वो है अनुच्छेद 32 को। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देश में 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगर ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, अगर राज्य की बात हम करें तो राज्य जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो वो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो चलिए, इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें और ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन है 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है। और अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 44। 44 में क्या कहा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी UCC के बारे में बताया। किसके बारे में? UCC के बारे में, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 44 में। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो वो कौन होगा? न्यायपालिका होगा। कौन होगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका ही ना हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जो कि क्या क्या है? एक होता बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता परमादेश, तीसरा होता उत्प्रेषण, चौथा क्या होता है? प्रतिषेध, और पांचवा और आखिरी क्या होता है? अधिकार परीक्षा लेख। तो हमारे जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो होता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत और जितने जितने छोटे अदालत होते हैं वो सब आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन आता है कार्यपालिका, विधायिका। अच्छा, विधायिका क्या होता है? तो विधायिका जो होता है, ये विधायिका जो है कानून का निर्माण करता है। क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। और विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गया। अच्छा,
या विधानसभा हो गया या विधान परिषद हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, ये कार्यपालिका क्या होता है? तो कार्यपालिका होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। क्या? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? तो वो कार्यपालिका के पास होता है। और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब आ जाएंगे। चलिए, इसी इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो जैसे अभी पीछे पढ़े, वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है वो है 20। कौन सा है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन था? वो था अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है 14 से 18। तो 14 से 18 में किसका वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। अच्छा, अगला ऑप्शन है 23 से 24 के बारे में। 23 से 24 के बारे में किसके बारे में कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है, 23 से 24 के बारे में। अच्छा, अगला ऑप्शन है 25 से 28। तो 25 से 28 के बारे में क्या क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। किसके बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 14। अच्छा, ये हो गया। अब अनुच्छेद 16 क्या हो जाता है? ये हो जाता है लोक नियोजन में अवसर की समता। क्या? अनुच्छेद जो है 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। चलिए, अच्छा, अनुच्छेद 17 क्या आ जाता है? अनुच्छेद आ जाता है 17 अपृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अपृश्यता यानी वही छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। चलिए, अनुच्छेद 20 और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो वो जो अनुच्छेद है वो है कौन? 18 में कहा गया है उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो चलिए, हमारे ये टोटल 20 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। और इसके बारे में अगले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।